आपका इंतजार है। हमारे गड़े जो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन पहले नहीं बता दिया कि नहीं भाई अभी तो आपने किए कुछ नहीं। मुझे पसंद आया ये थोड़ी और सही है। और ये वाला मंजर काफी दिन बाद देखने को मिला। बारिश के बाद अब बतखों ने हिम्मत की है पानी में नहाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए फॉर्म हाउस पे हम लेके गए थे डिवाइस वगैरह, लेकिन कनेक्शन नहीं हो सका था क्योंकि लड़का जो है वो बिजी रहा कल सारा दिन जिसने कनेक्शन करना था। सुबह सुबह हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ, चल के इंशाल्लाह कनेक्शन करवाते हैं। टेलीफोन पर रब्ता होगा लड़के से, वो कहता जी आप आए तो हमें कॉल कीजिएगा, हम आ जाएंगे। खैर फिलहाल हमें अपलोड करना थी वीडियो, उसके लिए ये लगी है। और वीडियो की स्पीड देखें यार, माशाल्लाह इंटरनेट इस टाइम 2 मिनट मांग रहा है सिर्फ 4 GB की वीडियो के लिए। क्या कहने स्पीड आ रही है यहाँ पे इंटरनेट की। गांव से वैसे हम इस टाइम जो है वो 12 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे ये स्पीड मिल रही है। मेरे साथ भाई मुबारक भी है, एंजॉय कर रहे हैं धूप। वो कहते हैं ना कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें वीडियो अपलोड करने के लिए काफी सारा टाइम जो है वो देना पड़ता है। अपलोड होती है वीडियो तो उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे फार्म हाउस पे। जो है वो बकरियां लेके घूम रहा है यहाँ पे मार्केट में, वो वाला रेवड़ इसका। और बकरियां पैर से लग जानी है तेरिया। अच्छा, बंद पे चराने लगे। उन्होंने भी यहीं पे चरानी है, यहाँ पे सर्विस अच्छी है, बकरियां भी यहाँ पे चरेंगी अब। उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और अब्बू जान पहले से यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग डाली, इंटरनेट का रिसीवर लगाने के लिए यानी लाइट बीम लगाने के लिए हमारे पास जो पोल है वो तो नहीं है, इसी बांस के ऊपर लगाई जाएगी। फार्म हाउस पे आके सबसे पहले हमने यही इसका जुगाड़ किया, अब इंतजार कर रहे हैं आता है इंटरनेट वाला बंदा तो फिर उससे इंटरनेट वगैरह लगवाया जाएगा इंशाल्लाह। जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जारी है इंतजार। ये आपका इंतजार है। बंदे के दिमाग में ख्यालात का बहुत बड़ा झमकटा रहता है। हम यहाँ पे फ्री बैठे हुए थे तो जब बंदा फारिग बैठा हो उसके दिमाग में जो ख्यालात चल रहे होते हैं ना उनको अमली जामा पहनाने का दिल जाता है। तो यहाँ बैठे बैठे भाई मुबारक के दिमाग में ख्याल आया, यहाँ पे लगी हुई अंगूर की बेलें जिनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैंने सोचा उनके साथ ना कुछ लकड़ियाँ वगैरह लगा दें ताकि उसके ऊपर वो चढ़ जाएँ और फिर आइंदा साल उसके ऊपर अंगूर लगेंगे फिर खाएंगे। ख्यालात की दुनिया में एक बड़ा जमघटा। भाई मुबारक ने ख्याल सोच लिया तो अब हमें चलानी पड़ेगी कसी। और तीन है कि चार है बेले? तीन बेले हैं तो तीन गड़े मारने हैं हमें, उसके बाद उसमें क्या लगाया जाएगा वो भी आपसे चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल पहला काम बहुत सख्त कसी चलाने वाला है। एक बेल अंगूर की ये लगी हुई है, माशाल्लाह बाहर की वजह से नए पत्ते इसमें निकल आए हैं और कोंपली भी बन रही है, इसलिए इसको अगर सपोर्ट होगी तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी बेल। इसी तरह ये लगी हुई है, इसके नीचे भी सपोर्ट लगाएंगे, ये भी जल्दी से ऊपर चढ़ेगी। और वो वाली भी छोटी रह गई, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। जहाँ तक कसी चल सकती थी वो चल गई, अब इससे नीचे गहरा जो है वो खुरपे की मदद से करेंगे ताकि ज़्यादा चौड़ा ना करना पड़े, क्योंकि खुदाल चलाने के लिए काफ़ी चौड़ी जगह चाहिए होती है। तो अब ये कहते हैं जैसे खुरपा, ये जी खुरपा, अब इसकी मदद से मिट्टी निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गड़े हमारे जो मुकम्मल हो गए हैं, एक यहाँ पे पौधा था, दूसरा भी गड़ा, ये काफ़ी गहरे हो गए हैं। यहाँ लॉग चूँकि बड़े हैं लकड़ के जो लगाने हैं सपोर्ट के लिए, तो इसलिए हमने गहरा और चौड़ा खड्डा निकाला ताकि दोबारा वो इतनी जल्दी खिले नहीं अपनी जगह से। ये देखिए अब यहाँ पे ला के लॉग लगाते हैं, उसके बाद फिर बेल जो बढ़ेगी वो लॉग के साथ साथ ही लॉग के ऊपर चढ़ेगी। और कमरे की सफाई करते हुए वह लकड़ी जो बाहर निकाली थी अब प्रोग्राम है इन्हीं को लगाते हैं पौधों की सपोर्ट के लिए।
बजनी तो नहीं भाई हमारी बजनी तो नहीं नहीं बजनी नहीं पड़ी कुछ भी नहीं होता थोड़ा जहा लग जाएगा। एक ही लॉग उठा के लाए थे, उम्मीद थी कि हमारे गड़े जो है मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन पहले नहीं बता दिया कि नहीं भाई अभी तो आपने किए कुछ नहीं, तो और ज्यादा गहरा करना पड़ेगा अब इस गड़े को। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद गड़े पे मेहनत की और पूरा हो गया, अब इसमें डालते हैं मिट्टी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पौधा जो है वो उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा और हिले जुलेगा भी नहीं। तने के गिर्द मिट्टी, लॉक के गिर्द मिट्टी हमने डाल दी है जो निकाली थी, अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे तरीके से मिट्टी जो है वो बैठ जाए इसके साथ साथ। छत से माशाल्लाह गंदम का नज़ारा देखें, और छत पे आने की जो वजह थी हामिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई हैं जिन्होंने हमें इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे अवेल करना है, तो वो यहाँ से मुआयना कर रहे हैं, वो सामने टावर के आसपास से सर्विस उठाई जाएगी तो पहुँच जाएगी इंशाल्लाह सर्विस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँचेगी। तो ट्राई करते हैं, लगाते हैं इंटरनेट की जो भी डिवाइसेस लगनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास इंटरनेट का। एक्शन लगवा रहे हैं तो इंटरनेट यूजर भी यहाँ पे पहुंच गया। आप अच्छा फिर ठीक है, पासवर्ड को नहीं देना मैं वाईफाई का, बिल्कुल वाइसिस फिर से एक दफा कमरे में चली गई हैं और इसकी रीजन क्या है। हेलो चोरी करना शुरू आते ही पैसा पर भी आ गया। वैसे चोरी करनी है ना ए वाली सही है, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। तो सामान जो डिवाइसेस वगैरह हम एक दफ़ा लेके आए हुए थे घर में, कमरे में से निकाली थी, चेक करवाई हैं हामिद भाई को और वो दोबारा से अंदर रख दिए हैं, उसकी रीज़न क्या है। हाँ भाई क्या वजह बनी अभी यार, डिश छोटी है, डिश चेंज होगी इंशाल्लाह चल जाएगा। सर्वर सप्लायर की जी जी जिन्हें आपकी जो डिश है सही, हामिद भाई ने रिसेंटली जो है वो डिश चेंज करने का प्रोग्राम बनाया अपने सर्विस सेंटर से, तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी डिश वहाँ पे लगने वाली है, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना ये कनेक्शन बहाल किया जाएगा, उसमें एक दो दिन लगेंगे, खैर जितना भी टाइम लगता है वो तो अब फिर उन्हीं के हाथ में, तो हमारा कनेक्शन अलबत्ता डिले हो गया एक दफ़ा फिर से। वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता, पहले ऐनके वगैरह देखे जेब साहब ने, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेक की हैं, और अब जाते जाते इस पे हाथ साफ कर लिए। ये ट्राईपॉड स्टैंड जो है ना इस पे ये वापस दे के जाना मुझे, कब दे के जाओगे लाना, जब चल पहुँच कर अब चलते हैं इसके घर, चल के वहाँ पे चाय पानी करेंगे, फिर स्टैंड भी लेके आएंगे। कार चले थे जितने भी जाओगे उतना ही सही। मेरे मोटरसाइकिल में भी बड़ा तेल है, इनकी गाड़ी के पीछे पीछे रखते हैं कितने कटर जोगे उतरोगे तो सही ना मोटर तो कितने। और भाई मुबारक फ्रूट तोड़ के लाए हैं, सिर भी लगा है टमाटर का सिर भी। टाइम 4 का हो गया, जानवर चराने वाले वापस घरों को जा रहे हैं, हमारे मेहमान भी जा चुके घर को और हम भी अब निकलते हैं, हमारा काम तो हुआ नहीं इंटरनेट लगाने वाला, लेकिन चलो
लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का बहुत मजा आया। एक तो गैदरिंग होगी, दूसरा गपशप, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई थी जेब लोगों से भी, और हमारा काम जो है अब नेक्स्ट किसी दिन पे। खैर अब निकलते हैं घर को, तो चले मैं बारिक चले करें तैयारी, चलते हैं बस करते हैं क्लोजिंग, सामान वगैरह जो निकाला कुछ कर दिया अंदर, कुछ बाकी नहीं, चारपाई वगैरह ये वो चीज़ें जो है वो मोटर भी बंद करने वाली है, फिर निकलते हैं घर को। ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।